देखिए सनशाइन कॉलोनी में ये अजीब सी चीज देखकर लोगों की आजब गजब प्रतिक्रिया बन रही है। आपको सिर्फ कैमरे में देख के ये बोलना है ये इतना बड़ा गोला यहाँ पर कैसे आया? अरे भाई वो हमको क्या मालूम, पहले आप मेरे को ये बताओ मैं जरा बराबर लग रही हूँ ना? मैडम आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना, ये बुटिया है ऐसे लगता है जूटापन है सब। आइए जानते हैं मिस्टर मिस्टर लाजो नाम क्या है मारा? मुरलीधर। मुरलीधर कन्हैया लाल ओझा। मुरलीधर कन्हैया लाल ओझा जी से बताइए क्या लग रहा है आपको? देखो मारा, देखो ये तो कुछ भी ना है, हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में तो रात को 3 बजे तारे गिरे हैं। इधर इधर इधर। लेकिन गुजरात में तो कोई तारे ना गिरे हैं। तो हमारे राजस्थान के लोग गाना भी गावे हैं, मारो जंगल मंगल देश मने प्यारो लागे है, मारो जंगल मंगल देश मने प्यारो लागे है। ये न्यूज ये रिपोर्टर्स ये सब क्या हो रहा है? आपने अंदर आने से पहले मेरा इज्जत लिया? इज्जत नहीं इजाजत। ये समझ गई? अरे समझी नहीं, वो डर गई है। अरे लेकिन आप तो समझे, हमारी कॉलोनी के बीचों बीच यहाँ कोई एक अनजान चीज रख के चला गया है और आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे अंगल मंगल करके डांस कर रहे हैं। मैन जंगल मंगल। अरे ओ भाई तुम्हारा कैमरा मैन आने वाला है कि नहीं? आएगा। हाँ तो चलो छोड़ो। ए बेबी, ओ बेबी मेरा इंटरव्यू लो। हाँ इधर इधर। हाँ अभी मेरा इंटरव्यू लो। आपका इंटरव्यू तो लिया ना अभी। अच्छा, अरे मेरी चाकूड़ी, आजा चाकूड़ी। अरे मारे को तो भावना भाभी ने फोर्स किया था कि मैंने टीवी वालों को बुलाया है तो फेमस हो जाते हैं, फेमस हुए तो नहीं तो। तो इंटरव्यू देते वक्त डांस करने का अब क्या करता है मैन? ये क्या देखता है? चलो जाओ इधर से जाओ। अरे ये तो अपना दीपेश है के जाओ। अच्छा ये कॉलोनी वाला है तो इधर ही रहो। अरे चलो मैन सबको भगाओ यहाँ से। हाँ तो मिसेस भैरवी आप बताइए आपको कैसा लगता है? बेटा ना बेटा तुझे कैसा लगता है बोल। वो हमारे घर के लिविंग रूम का सेंटर टेबल है ना, वो ऐसे कभी कभी घुटने पे लगता है झाड़ू मारते हुए, और ऐसे फ्रिज के पीछे साफ करना मुश्किल लगता है, और कभी कभी शॉक भी लगता है। आप है ना रोनी का इंटरव्यू लीजिए, तब तक मैं जरा इसे समझा देती हूँ। गुजराती बहुरानी। चकुड़ी ये हमारी कॉलोनी में जो अनजान गोला आके गिरा है ना उसके बारे में तुझे क्या लगता है वो बोल। रानी रानी कंट्रोल, देखो सामने खड़ी है कुछ तो बोल। मारा मतलब है बोला तो नहीं तो। आप प्लीज चुप रहिए, क्या बोला तो नहीं तो क्या बोलेगा इनको? तो मिस्टर रॉनी आप बताइए आपको क्या लगता है? मेरी छोड़िए आपको लगेगी। रॉनी भैया जाइए यहाँ से, चलो ये कैमरा नीचे करो। मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला है, जाओ यहाँ से नहीं तो कैमरा तोड़ दूंगा। अरे ये कोई तरीका हुआ क्या मीडिया वालों से बात करने का? जैसा कि आप देख सकते हैं सनशाइन कॉलोनी का ये नौजवान किस तरह हम मीडिया वालों को डरा और धमका रहा है। सॉरी सॉरी ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मीडिया वालों को सबके सामने धमकी मत दीजिए, वो टेलीकास्ट कर देंगे। हंस कर रही है मैं। हाँ रोनी उनके सामने कुछ अच्छा अच्छा बोल ताकि हमारी कॉलोनी भी फेमस हो जाए। वो बाजू वाली हैप्पी होम सोसाइटी में टीवी वाले आए थे तो वो लोग कैसे फेमस हो गए? अरे ये तो उनको मैंने इधर बुलाया है। अपने यहाँ इनको बुलाया? आंटी भावना हैप्पी होम सोसाइटी में किसी लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी थी इसीलिए ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हमको क्या लगा है जो ये लोग यहाँ आ गए? अरे रोनी बोल देना कुछ अच्छा, कह दे कि ये अनजान गोले को देख के तुझे झटका लगा। मैं याद आ गया, वो गोला यहाँ गिरा ना तो मितेश प्रीतेश के पापा ने झटके से मिर्ची निकल ली तो उनको तीखा लगा। गुजराती बहुरानी। बहुत हो गया, बोल दिया सब लोगों ने, अब तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं तुम लोग को धक्का मार के भेजेगा मैन। तुम लोग कितना भी बड़ा चैनल वाला क्यों ना हो मेरे को कोई वो अपना वो अभी अटका देखो। डे आफ्टर टुमारो को मराठी में क्या बोलता है? परवा। हाँ तुम लोग कितना भी बड़ा चैनल वाला क्यों ना हो मेरे को कोई परवाह नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, सब लोग निकलो कॉलोनी से। रोनी भैया मुझे पता चला है गोला ना बहुत बड़ा बॉम है, बॉम बॉम।
अपने घर जाओ, अपना जरूरी सामान पैक करो और निकलो, भागो। लीजा, भागो। ए, मेरे लिए तो यही कीमती है। ये भी पैक कर दियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सनशाइन कॉलोनी में बॉम्ब रख दिया गया है, जिस वजह से सब लोगों में कितनी दहशत फैल गई है। आइए हम आपको मिस एना की मानसिक स्थिति का सीधा प्रसारण दिखाते हैं मसाला न्यूज पे। मिस एना कैसा फील कर रही हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस एना मुझे गेट आउट कह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं। लेकिन फिर भी मिस एना डिसूजा, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि हमारी कॉलोनी में पहली बार बॉम्ब रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो उस इंसान की शुक्रगुजार हूं जिसने बॉम्ब रखने के लिए हमारी कॉलोनी को चुना। देखो, मैं तो खुशी के मारे नाच रही हूं। ये हमारा सीरियस न्यूज चैनल है। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, सर पे हाथ रखिए और रोइए रोइए मिस एना, रोइए रोइए ना। This is too much. Stop it. एना, उठो उठो एना, आप नीचे बैठो। हाँ, आपको सीरियस न्यूज चैनल है ना आपका, तो सीरियसली मुझे आपका सर फोड़ने का मन हो रहा है। एक मिनट, ये माइक मेरे को दो। अब मैं बोलेगा और ये रिकॉर्ड करेगा। ब्रेकिंग न्यूज, आप डायरेक्ट प्रसारण देख सकते हैं। कैसा चक्कर खा के बैठा ये गन चक्कर। न्यूज रिपोर्टर, गेट आउट आउट, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि अरे ब्रेकिंग न्यूज मैं ब्रेक करेगा। नॉनसेंस पीपल, अभी कम मेरा ही चप्पल आए। पापा पापा, हल हल हल, फटाफट ये 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 क्या कर रहा है? ये चॉकलेट चिवड़ा ये सब क्यों डाल रहा है? मैंने तुझे जरूरी सामान रखने के लिए कहा था। तो वही तो कर रहा हूँ बा। ये चॉकलेट चिवड़ा जरूरी सामान है। ओहो, अरे पापा, ये कॉलोनी तहस नहस हो जाएगी, हम लोग बेघर हो जाएंगे और रास्ते में बैठ के माता मना रहे होंगे, तब क्या चॉकलेट चिवड़ा खाएंगे? ये गहने, ये रुपए, ये पासपोर्ट, ये सब जरूरी सामान है, ये रख। दादी, वो गोला बॉम्ब नहीं है, और बॉम्ब क्या कोई कॉलोनी के बीच में रखे जाएगा? तूने क्या आतंकवाद का डिप्लोमा कोर्स किया है? ये वापस रखी तूने चकली? ये गहने बेच के तुझे चकली की दुकान डाल के दूंगी, ठीक है? पकड़ इसे, निकाल ये सब। बाय एक ना लाइक कहीं का। हटिए 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 हटिए, इसे क्या ठूस के रखा है बा? ये रखिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे चाकू नहीं, ये क्या है? अदरक, नीली पत्ती और कड़ी पत्ता। ये गहने से ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे कड़ी पत्ता। मैं कल रात की तो बात है, मैं दाल बना रही थी, आपने आके कहा चकुड़ी इसमें कड़ी पत्ता डाल, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे चाय में नीली पत्ती और अदरक, ऐसे दाल में कड़ी पत्ता। मेरा मतलब तड़के में कड़ी पत्ता जरूरी है, ऐसा बोला था? ये तड़का वड़का कुछ नहीं बोला बा, नीतीश के पापा से कुछ नहीं बोला, आप पलट रहे हैं। अब तो आप मुझे सिंदूर की डिबिया भी पैक करने के लिए मना करेंगे। सिंदूर क्यों? जब मैं जन्माष्टमी के लिए तैयार हो रही थी तब आपने आके बोला ना कि चकुड़ी सिंदूर लगा। सिंदूर तो सुहागन की मांग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप पहले तय कर लीजिए कि कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी नहीं है। अब आपके लिए कहने पासपोर्ट ही जरूरी है। इस इमरजेंसी में अक्ल इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है, पहले तेरी अक्ल पैक कर। देखो फिर से पलटी, रोज आप कहती कि मेरे में अक्ल नहीं है, अब मैं अक्ल कहाँ से पैक करूँ बा? दादी आप में तो अक्ल है ना, बॉम्ब को ऐसे खुलेआम छोड़ के नहीं जाता। अरे ओ भाई, पहले ये बैग का ताला इसके मुंह पे लगा और इसे बैग में पैक कर। फिर से पलट रही है। देखो मितिश, मितिश के पापा। फिर भी चकुड़ी, रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। तो वो नंबर, अभी जा बाल गोपाल की मूर्ति लेकर आ और ठाकुर जी का प्रसाद भी लेकर आ। हमारी रक्षा करेंगे ठाकुर जी तो उनकी सेवा भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं, कहा बाबा? हाँ बा। ये बराबर बोलता है। अरे भाई जाने है? मेरे पीछे में हर चार सेकंड में पर। तो ये भी एक, अरे रोनी
हाँ हाँ चलो 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 एवरीवन क्या चलो 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 क्या है मैन ये मेरा रोजवुड का बच्चा है मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता अच्छा अपना किचन का कैबिनेट तो बोमा ठीक कहा है उस स्टूपिड मिस्त्री ने इतना टाइट फिक्स किया है ना कि मैं खींचेगा तो पूरा दीवार नीचे गिर जाएगा मैन रोनी रोनी जब बम फूटेगा ना तो दीवार के साथ छत भी नीचे आएगा हाँ 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 एक काम करते बम फूटने के बाद में आके कलेक्ट करके चला जाएगा चलो चलो मैन कम ऑन तो फिर एक काम करते बाहर पड़ा हुआ प्लाईवुड भी साथ में लेके चलते क्योंकि जब हम मर जाएंगे तब कॉफिन बनाने के काम आएगा है ना है ना तुमने ऐसा वो गॉड सेक्स इमरजेंसी के टाइम पे तुम कैसे अटक सकता है मैन मैं कभी भी अटक सकता है तुमने ऐसा वो गुजराती लोग सेव के साथ जो फरसान खाता है येलो येलो लंबा लंबा उसको क्या बोलते हैं मैन गाटिया है ना तुमने ऐसा गाटिया बात किया कैसे मैन अगली बार मत करना गाटिया का गटिया वो समझ गए अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो तुम याद रखना प्लीज रोनी सेंसिबल बात करो ये स्टूल बोल स्टूल तो मैं लेके जाएगा स्टूल के लिए कुछ मत बोलना प्लीज सॉरी बराबर है नहीं नहीं बराबर है स्टूल तो लेके जाने को ही मांगता है क्योंकि जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो फिर फूट फूट के रोने के वास्ते स्टूल तो मांगता है तुम्हें तीन लेके आता है रोनी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ये स्टूल और ये कितना इम्पोर्टेंट है मैं अपना स्टूल लेगा ही लेगा ठीक वो देव मेरे को इम्पोर्टेंट बोला है मैं सब कुछ देखो उसको समझाओ मैं देखो चीटर टोस्टर और मिक्सर लेके गई है ना मैं ये मेरा इम्पोर्टेंट चीज लेके आता है बाकी का तुम लेके आओ मैं जा रहा है खुद ही जाती हो। हेलो मिस्टर राजिंदर जी कौन बोल रहा है पूरी दुनिया में कोई ऐसी आवाज सुनी है आपने आप तो क्या रोज छोटे छोटे बच्चे आपको फोन करते हैं ओ प्रितेश सर एक्चुअली तो मैं आपको ही फोन करने वाला था लेकिन बंडिंग जी ने कहा होगा कि अच्छा मुहूर्त नहीं है इसलिए फोन नहीं किया अभी आप खोखो खोखो बंद कीजिए और जल्दी मेरी बात सुनिए ना ना पहले आप मेरी बात सुनिए क्या ए सर मेरे स्पेशल रडार ने एक बार फिर से एक जहाज पकड़ा है जो कि इस प्लेनेट का हो ही नहीं सकता और प्रितेश सर मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाज आप ही के इलाके में कहीं लैंड हुआ है अच्छा हाँ तो कुछ आसपास हो तो पकड़ लो क्योंकि मेरी बात सुनकर तो आपको चक्कर आने वाला है आपके स्पेशल रडार पर जो स्पेसशिप दिखी है ना वो हमारे कॉलोनी के गार्डन में आई है क्या फिर तेज सर मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ ना आ जाइए जल्दी आ जाइए आप मैं बस अभी पहुंचता हूँ सर ए प्रितेश या हाँ कैसा शांति मैन अगर शांति से ये बम फूटेगा तो तो बम के साथ हम लोग भी फूट जाएंगे और फिर हमारी प्रार्थना सभा में तुम रखना शांति सिटी भाई हाँ सेम मुझे आएगा काबा ना बाबा और उसने बोलने का कि रॉनी बहुत मस्त फर्नीचर बनाता था और ये भी बोलने का कि
अरे भाई रॉनी, ये टाइम पे तुम नहीं अटक सकते मैन। मैं कभी भी अटक सकता मैन। एक मिनट, वो ब्लैक कलर का गाड़ी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कलाकार। हाँ, बोलने का कि रॉनी बहुत कलाकार आदमी था। अरे कलाकार का कलाकार मैन, वो समझ गया मैन। लेकिन एक बात सुनो स्वीटी सिंह, अगर कॉमन प्रार्थना सभा हो तो हमारी फोटो सबसे आगे रखना। क्यों? मैं सबसे बड़ो हूं ना। और गायक मंडली मारे बीकानेर से बुलाना। भूत बनकर आऊंगी अगर मारवाड़ी भजन मंडली हुई तो। हाँ बाबा। हाँ बा। ये फोन रख दे, रॉन्ग नंबर। तो बराबर। ये क्या आप सब अपनी प्रार्थना सभा की फरमाइश सुनाने बैठ गए? चलो। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर ये बॉम्ब है तो फटे ना। कम ऑन, हरी हरी हरी। चलो 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 चलो। बाबा देखो ना, आना क्रिश्चियनों में भी हरी का नाम ले रही है। श्री हरी बोलो आना, श्री हरी बोलो। नहीं नहीं, अरे रोको। अरे प्रीतेश इधर आ, तू जा। अरे ये बॉम्ब नहीं है। अरे बॉम्ब रखने वाला बॉम्ब छुपा के रख के जाता है। ऐसे कॉलोनी के बीच में रख के जाएगा। अरे एक मिनट, इसका बात बराबर है। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा वहां जाकर गोले के पास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बॉम्ब नहीं है। लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, जानते हैं कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है, सिर्फ मसाला न्यूज पे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रीतेश, लेकिन क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, है ना? हाँ। वो देखिए। बॉम्ब स्क्वाड वाली गाड़ी आ गई। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.